वहाँ पर लोग पूरी तरह से अंडर ट्रेनिंग छात्र हैं जो कुछ भी नहीं जानते हैं। उन्होंने टीबी की दवा लेने को कहा। अब तक मेरी बेटी करीब 300 दवाइयां खा चुकी है। नमस्ते सर, आपका नाम क्या है? माणिक्याला रावल। मरीज का नाम क्या है? रापा का रोजा कुमारी। आपके और मरीज के बीच क्या संबंध है? वहाँ मेरी बेटी है। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? पश्चिम गोदावरी जिला इनापुर इरगावरम मंडलम। आपकी बेटी को क्या हुआ सर? सबसे पहले उसे गर्दन के पास की नसों में दर्द हुआ, तो मैं उसे तनुकु अस्पताल में इलाज के लिए ले गया। 1.5 महीने तक उपचार लेने के बाद भी कोई बदलाव ना दिखने पर हम उसे पालकोल अस्पताल ले गए। मेरी बेटी का अस्पताल में एक्सरे किया गया, लेकिन कोई बयान नहीं दिया गया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बाद में अतिरिक्त परीक्षण किया जाएगा और हमें विशाखापट्टनम के अस्पताल में रेफर कर दिया गया। एक बार बॉम्बे के परिणाम प्राप्त होने के बाद अतिरिक्त उपचार के लिए रिपोर्ट वहां भेजी जाएगी। फिर हम विशाखापट्टनम अस्पताल गए, लेकिन वहां सभी कर्मचारी छात्रों को परीक्षण दे रहे थे और यह नहीं जानते थे कि मरीज का इलाज कैसे किया जाए। उन्होंने बिना कुछ जाने मेरी बेटी को लगभग 30-45 दिनों तक इलाज किया और फेफड़ों के हिस्से के पास मशीनों से इंजेक्शन दिया। उस इलाज को शामिल करते हुए उन्होंने हमें टीबी की दवाएं लेने के लिए कहा और आज तक मेरी बेटी ने लगभग 300 दवाएं ले ली। उसे फिर से वही समस्या महसूस हुई, इसलिए हम उसे तनुकु अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि यहाँ टीबी नहीं है और दवाएं फिर बदल दी, लेकिन हमें इनके इलाज पर भरोसा नहीं था, इसलिए हम राजमंड्री चले गए। एक डॉक्टर ने वहाँ एक्सरे लिया और कुछ दिनों तक निगरानी रखी। उन्होंने हमें हैदराबाद के अस्पताल में जाने की सलाह दी। इससे पहले तनुकु के डॉक्टर ने कहा कि मेरी बेटी के दिल में पानी भर गया था और पानी निकाल दिया। बाद में यह कैंसर में परिवर्तन हो गया, इसलिए हमने हैदराबाद के एक और अस्पताल का दौरा किया। ये घटना मई महीने की है। नवम्बर महीने में हम हैदराबाद आए। इस बीच कैंसर और फैल गया। यहाँ उनका इलाज शुरू हुआ। अब वह ठीक है, हालांकि वहाँ पतली और कमज़ोर हो गई है, क्योंकि उसने 7 महीनों से ठीक से खाना नहीं खाया और ठीक से सोई नहीं। नतीजा यहाँ हुआ कि वहाँ स्वस्थ से कमज़ोर हो गई। उन्होंने मेरी बेटी का इलाज किया। हमने बेहतर परिणाम के लिए पुनर्जन आयुर्वेद दवा का उपयोग करने के बारे में सोचा। डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों उपचार ले सकते हैं और कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, तो हम यहाँ आ गए। इस हॉस्पिटल के बारे में आपको किसने बताया सर? एक परिचित व्यक्ति ने मुझे इस अस्पताल के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर आपकी बेटी का सही इलाज करेंगे। मैंने उनसे साइड इफेक्ट्स के बारे में पूछा, हालांकि उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बीच डॉक्टर स्पष्टता के लिए अन्य दवाओं की जांच करेंगे, तब तक इस दवा का उपयोग करने के लिए कहा। जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम एक समय में 2 दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, मैं इलाज के लिए यहाँ आ गया। सर, क्या दवा का उपयोग करने वाले व्यक्ति ने आपको इस अस्पताल का सुझाव दिया था? जी मैडम, उनके परिजन इस दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या उन्हें अब अच्छा महसूस हो रहा है? उन्होंने कहा कि व्यक्ति ठीक है और कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि दवा के इस्तेमाल के बाद कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। ठीक है सर, आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में विश्वास के साथ आए हैं, हमारी दवा का प्रयोग करें। हम आशा करते हैं कि आपकी बेटी शीघ्र स्वस्थ और ठीक हो जाएंगी। आपकी बेटी की ठीक होने के बाद हम यही मिलेंगे। हम इन सभी लाभकारी जानकारियों को अन्य लोगों तक फैलाएंगे जो उनका उपयोग कर सकते हैं।